गरीब से गरीब लोग हैं, वो भी 20-20 रुपए की बोतल खरीद के पानी पीता है और बहुत ज़्यादा परेशान है। जो पानी पीने का है वो सीवर की लाइन जो है वो वहाँ से लीकेज होके उसमें मिक्स होकर आता है। उसका जो मांस है उसको जगह जगह कुत्ते और बिल्ली ले जाके फेंक रहे हैं, जिससे बीमारियां होने का ख़तरा है। और जो जंगली कुत्ते हैं उनको निकाल करके कॉलोनी में ले जाते हैं, जिससे दंगा होने का ख़तरा है। कॉलोनी में लोग रह नहीं सकते, बदबू फैल रही है बुरी तरह, और उसको बंद किया जाए तत्काल, नहीं तो वार्ड 48 की एक एक आदमी एक एक जनता यहाँ बैठने का काम करेगी। अगर ये काम नहीं होंगे शहर में तो कौन वोट देगा इन लोगों को? वो पार्क नहीं लगता, जंगली जानवर घूमते रहते हैं वहाँ, कुत्ते बिल्ली। आप देख रहे हैं वार्ता 24। करीब 8 घंटे की सदन की बैठक के बाद में आज गाजियाबाद के नगर निगम में आज जो बैठक हुई थी, सदन में बैठक हुई है और तमाम पार्षद जो गाजियाबाद के 100 पार्षद थे उनके साथ में बैठक की है और उस सदन में जो सभी मुद्दों को पार्षद ने उठाया है, इसी बीच आज एक अहम फैसला आया है जिसमें सदन ने कहा है और मान्य महापौर ने भी इस फैसले को स्वीकारा है कि आप अगर कुत्ता प्रेमी हैं तो आपको अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। अगर आप रिन्यू कराते हैं तो 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप का घर जो है 100 गज का है तो आप एक कुत्ता पाल सकते हैं, 200 गज का है तो 2 कुत्ते पाल सकते हैं और 300 गज का है तो 3 कुत्ते पाल सकते हैं, 400 गज का है तो 4, इससे अधिक का अगर आपका घर है तो आपको शेल्टर होम बनाना पड़ेगा। अगर आप इन सभी गाइडलाइनों के अगर फॉलो नहीं करते हैं तो 10,000 रुपये का चालान भी किया जाएगा। इसी बीच मेरे साथ में आज पार्षद मौजूद हैं और बताएंगे पूरा मामला क्या था और सदन में क्या कुछ पास हुआ है और इनके वार्ड में क्या समस्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिदा है, वार्ड 48 से। तो सदन में आज जो प्रस्ताव पास हुए हैं वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं? अभी जो आपने बात की कि डॉग का जो हुआ है वो हुआ है 500 से 1000 कराए और 200 से 500 कराए। और इन गाइडलाइन को नहीं फॉलो करता है तो उनको 10,000 रुपये जुर्माना है। और क्या समस्या है आपके वार्ड में, अहम समस्या है क्या है? हमारे वार्ड की पानी की जो है बहुत अहम समस्या है कि लोगों को पानी नहीं है पीने के लिए, मतलब पानी जो गरीब से गरीब लोग हैं वो भी 20-20 रुपए की बोतल खरीद के पानी पीता है और बहुत ज़्यादा परेशान है। जो पानी पीने का है वो सीवर की लाइन जो है वो वहाँ से लीकेज होके उसमें मिक्स होकर आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपने इस मुद्दे को उठाया है, क्या स्वीकार कर लिया है महापौर और नगरायुक्त ने इस मुद्दे? हाँ जी, स्वीकार कर लिया है। जी तो, और सेकंड मुद्दा क्या था आपका? सेकंड मुद्दा हमारा कट्टे घर, हाँ जी, वो जो होता है उसमें जो पशुओं को अवैध तरीके से काटा जाता है, उसका जो मांस है उसको जगह जगह कुत्ते और बिल्ली ले जाके फेंक रहे हैं, जिससे बीमारियां होने का ख़तरा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा बदबू हो रही है और इसी वजह से ये दंगे होने का बहुत ज़्यादा खतरा है कि दंगा हो सकता है। देखिए, साजिदा हमारे साथ मौजूद थी, इनके वार्ड के अंदर जो समस्या है अवैध कट्टी घर चल रहे हैं, इन्होंने इस मुद्दे को भी सदन के अंदर उठाया है और तमाम बातें करने के लिए मेरे साथ में पूर्व पार्षद भी मौजूद हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, जरा नाम बताएं दर्शकों को अपना। मेरा नाम आसिफ चौधरी, मैं पहले पार्षद भी और GDA बोर्ड मेंबर भी रहा हूँ। मेरे वार्ड 48 में एक अवैध कारकस प्लांट चल रहा है जिसमें कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर प्रतिबंधित पशु उनको मूर्छित करके ले जा करके काट के उनका मीट फैक्ट्रियों में जा रहा है और जो जंगली कुत्ते हैं उनको निकाल करके कॉलोनी में ले जाते हैं, जिससे दंगा होने का खतरा है। ये बहुत गंभीर विषय है, शहर के अंदर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें विशेष हम लोगों ने आज प्रार्थना करी है नगरायुक्त साहब से, अगर ये बंद नहीं होगा तो हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। कौन से पशु हैं और किस तरह के पशुओं को इस तरह का जो है कृत्य किया जाता है? प्रतिबंधित पशु हैं, बस आप समझ सकते हैं कि वो उनको बहुत गलत हो रहा है वहाँ पर जो हो रहा है। कॉलोनी में लोग रह नहीं सकते, बदबू फैल रही है बुरी तरह और उसको बंद किया जाए तत्काल, नहीं तो वार्ड 48 की एक एक आदमी एक एक जनता यहाँ बैठने का काम करेगी। सवाल ये है कि आपने लगातार अपने क्षेत्र में विकास किया, अब किस तरह का डेवलपमेंट है? अभी तो कुछ भी नहीं है, आज 4 महीने हो गए पहली बोर्ड बैठक है, ये झुंझुना हमारे कोई विकास नहीं हो रहा और मुझे लगता है कि 2024 में विदाई तय है। अगर ये काम नहीं होंगे शहर में तो कौन वोट देगा इन लोगों को? यानी कि आप विपक्ष हैं ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, भाई शहर में जो विकास नहीं होंगे तो पूरी जनता एक होगी। मैं तो समाजवादी पार्टी से हूँ और हम लोग सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे अगर काम नहीं होंगे शहर के अंदर। प्रतिबंधित पशुओं की आपने बात उठाई है जो सरकार भी लगातार उस पर काम कर रही है, इसी बीच अगर इसकी बात करें तो देखा जाए कि सरकार जो है गाय हो तो उस पर लेकर अहम होना चाहिए,
कानून बना चुकी है और आप बता रहे हैं कि प्रतिबंधित पशुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और उनका मांस जो है किसी जगह अन्य जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल्ली फैक्ट्रियों में जा रहा है और हम बताएंगे, जी जी हम बताएंगे सारी चीज़ें, सारे सबूत हम देंगे। और रात के अंधेरे में वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं और वो सब दिल्ली जाता है। सजिदा के पास एक बार फिर ले चलते हैं हम आपको। सजिदा, आपने बताया था कि रात का अंधेरा भी रहता है आपके यहाँ, क्या बिजली की समस्या है? हाँ जी सर, बिजली की समस्या है, जो खंभों की लाइटें हैं वहाँ लाइटें नहीं है, बिल्कुल भी अंधेरा रहता है, खंभों पे सारी लाइटें ख़राब हैं। और एक पार्क की हमारी बहुत बड़ी समस्या है जो रखी थी कि पार्कों की जो दीवारें वो जर्जर हुई पड़ी हैं, वहाँ पे रंगाई पुताई कुछ नहीं है और जो जंगल बना पड़ा है वो पार्क पार्क नहीं लगता, जंगली जानवर घूमते रहते हैं वहाँ, कुत्ते बिल्ली, और वहाँ पे बच्चे खेल नहीं सकते, जो बुज़ुर्ग हैं महिलाएँ हैं वहाँ पे वो वॉक नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा बुरी हालत। अर्शद जी, इससे पहले कोई लिखित में शिकायत दी हो आपने प्रतिबंधित पशुओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है? मैंने 5 साल से मैं तो लिखित में दे रहा हूँ डॉक्टर अनुज साहब को, आदरणीय नगरायुक्त जी को भी, मेरी कंप्लेंट है लिखी हुई, आप लोग देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। कोई एविडेंस है आपके पास में इस तरह कृत्य हो रहा है आपके पास? इस समय मेरे पे नहीं है, मैं आपको कल दे दूंगा सारे पुराने रिकॉर्ड दे दूंगा और आप इस बारे में थोड़ा हमारे आदरणीय नगरायुक्त साहब से बाइट ले सकते हैं और डॉक्टर अनुज जी से, आप वहाँ की सच्चाई देख सकते हैं जा करके, बहुत बुरा हाल है भाई। और वार्डों में कोई काम ही नहीं हो रहा, सीवर लाइन का बुरा हाल, वबाग कंपनी है जो कोई काम नहीं कर रही है। देखिए, साफ तौर से पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं है, हालांकि ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष में है, हो सकता है कि इसलिए इनके विकास कार्य जो है नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जनता ने इन पर भरोसा जताया और इनको जिताया है। लेकिन आज जो अहम बैठक हुई है, सदन के अंदर चर्चा की गई है, इस मुद्दे को उठाया गया है कि विकास के मुद्दे जो हैं वो गिनाए गए हैं, उसको लिख लिया गया है और नगर आयुक्त महोदय ने इस पर आश्वासन दे दिया गया है। इसी बीच अगर बात करें पशुओं की, तो पशुओं जो प्रतिबंधित पशु हैं उनको लेकर काफ़ी अत्याचार गाज़ियाबाद के अंदर देखा जा रहा है, इस तरह का आरोप जो है पूर्व पार्षद ने लगाया है। अब देखना हो गाज़ियाबाद प्रशासन उन पर क्या कार्रवाई करेगा। गाज़ियाबाद से रवि चौहान, वार्ता 24 न्यूज़। आप देख रहे हैं वार्ता 24।